Hello, assalamu alaikum students, welcome once again in our maths class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with a question number 5 of exercise 7.4. As you know guys, in previous class we have solved the question number 4 of this exercise, and in question number 4 we have learned how to find or calculate inverse of a matrix. Alright, so now we are going to start this class with a question number 5 of exercise 7.4. So question number 5 we start karne ja rahe hain. Aap dekh sakte hain question number 5 mein kya keh rahe hain. Verify the following mein aapke paas जो है वो पार्ट ए में देखें. अगर आप देखें पार्ट ए में क्या कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए 3-2-1-0 देन ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई. ठीक है, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है बेटे, कि ए और ए इनवर्स का जो प्रोडक्ट है ठीक है वो किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के. ठीक है, या ए इनवर्स आप कैलकुलेट करें उसको ए से मल्टीप्लाई करें तब आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा. ऑलराइट, तो आपने क्या करना है, इनवर्स कैलकुलेट करना आप लोग लास्ट क्लास में सीख के आए हैं. लास्ट क्लास में आप सीख चुके हैं कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन तो आप लोगों को आती है. तो इनवर्स यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन में करना क्या है, या तो ये प्रूव करें कि मैट्रिक्स ए को ए इनवर्स कैलकुलेट करें, मैट्रिक्स ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, या फिर ए इनवर्स पहले कैलकुलेट कर लें, ठीक है, उसके बाद ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें. या तो ये स्टेटमेंट प्रूव करें या ये स्टेटमेंट प्रूव करें, एक ही बात है. मतलब इससे सॉल्व करें, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आ जाएं, या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर लें तब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा. ऑलराइट, तो देखें इसमें दो काम करना है, इनवर्स कैलकुलेट करना है और इनवर्स को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है. तो इनवर्स आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है. अभी हम दोबारा यहाँ पे हम इनवर्स जो है वो करते हैं सॉल्व, इनवर्स कैलकुलेट करते हैं. इनवर्स कैलकुलेट करने के बाद उसको फिर मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगर आप लोगों की लास्ट क्लासेस में सुई हैं तो आपको आज की क्लास में इनवर्स भी कैलकुलेट करना आ जाएगा और मल्टीप्लीकेशन भी आप लोगों को आ जाएगी. ठीक है, फुल कॉन्सेंट्रेट करना है. ज़रा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए पे. सही है, तो इसका सॉल्यूशन आपने देखना है. सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन की हेड डालनी है, और सॉल्यूशन की हेड डालने के बाद आपने जो स्टेटमेंट प्रूफ करनी है वो लिख देंगे. हमने क्या प्रूफ करना है, हम ये प्रूफ करेंगे कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई. ठीक है बेटा, तो आपने प्रूफ करना है कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा. आपने दोनों को प्रूफ नहीं करना है, या तो ये प्रूफ करें कि भाई ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, या ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा. ठीक है, अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं. ठीक है, और उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जिसमें एक डायगोनल बेटा 1 होता है और बाकी डायगोनल जो है वो 0. ठीक है भाई, तो फर्स्ट डायगोनल इसमें क्या होता है 1, और सेकंड डायगोनल क्या होता है 0. तो ये है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मतलब आपने इनको सॉल्व करना है, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर लेके आना है. ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे. सही है, तो जो फाइंड करना है हम यहाँ पे लिख देंगे. सबसे पहले फॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. इनवर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए. इनवर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सही है, तो जिसका भी इनवर्स कैलकुलेट करना होता है उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, हमें क्या मिल जाता है, इनवर्स मिल जाता है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. डिटर्मिनेंट फाइंड करना आप लोगों को आता है बेटा, नहीं आता कोई कन्फ्यूजन है तो देख लीजिएगा इस स्टेप में कि आप लोगों को डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करना आ जाएगा. अगर आप लोगों के प्रीवियस कोई कॉन्सेप्ट मिस हैं ठीक है, या क्लास कोई मिस हुई थी तो आज की क्लास में आप डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करना सीख लेंगे. तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए 3-2-1-0. तो डिटर्मिनेंट के लिए हम सबसे पहले हमने क्या सीखा था, डिटर्मिनेंट के लिए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको रिमूव करेंगे और इसकी जगह हम यहाँ पे मॉड के साइन मतलब स्ट्रेट लाइन लगा देंगे. ठीक है, और जो एलिमेंट्स हैं वो उनको एज इट इज लिख देंगे 3-2-1-0. और उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे. सही है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 3-0, 3-0 0. ठीक है भाई, फिर किसका साइन आता है, सेकंड डायगोनल से पहले माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन लगा दिया. फिर हम क्या करेंगे बेटा, सेकंड डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है जी भाई, सेकंड डायगोनल को हम मल्टीप्लाई करें 2-1 0 2, तो 0-2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू -2. ठीक है भाई,
तो ये आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया ए का, मैट्रिक्स ए का, और आपके पास डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया -2। डिटर्मिनेंट आ गया -2 तो इट मीन्स डैट कि मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आगे सॉल्यूशन होगा, अगर आंसर आ जाता 0 तो हम लिख देते सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, और ऐसा होता नहीं क्योंकि हमें वेरीफाई करना है ना, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही है। ठीक है, आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद अब क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे, फिर दोनों को रख के डिवाइड करेंगे तो इनवर्स आ जाएगा। अब हम एडजॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ए का एडजॉइंट फाइंड करना है तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं बेटा, फर्स्ट डायगोनल की प्लेसमेंट चेंज करते हैं और सेकंड डायगोनल की साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डायगोनल की प्लेसमेंट चेंज करेंगे 3 और 0 तो हो जाएगा 0 3। ठीक है, और सेकंड डायगोनल की साइन चेंज, दोनों पॉजिटिव है दोनों को नेगेटिव कर देंगे, मतलब -2 और -1। सही, एडजॉइंट फाइंड कर लिया, अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा कि भाई ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए के डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ। सही, ये है ए इनवर्स, तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ए इनवर्स इक्वल्स टू पहले एडजॉइंट का मैट्रिक्स लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट से। तो एडजॉइंट क्या है बेटा, 0 -2 -1 और 3, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, डिटर्मिनेंट से, और डिटर्मिनेंट का आंसर हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा, -2। डिटर्मिनेंट की जगह क्या आ जाएगा, -2। अब -2 से सबको क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू -2 से पहले 0 को -2 से, फिर -1 को -2, फिर बेटे -2 को -2 और 3 को -2 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो इनवर्स आ जाएगा। जी भाई, तो अब क्या करना है, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। सही है, और यहाँ पे 2 वन ज़ा 2 वन ज़ा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 2 से 2 भी क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऊपर भी 1 बचा नीचे भी, तो 1/1 1 लिख लेंगे आंसर। तो कैंसिलेशन के बाद जो वैल्यू बच गई वो लिख लेंगे, 0 को -2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं ए इनवर्स का आंसर लिखते हैं यहाँ पे, ए इनवर्स इक्वल्स टू तो 0 डिवाइड बाय -2 क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 0, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बच गया बेटे आपके पास 1/2। ठीक है, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 2/2 कैंसिल हो के आंसर क्या बच गया यहाँ पे 1, फिर नीचे देखें 3/-2, तो ये एज इट इज रहेगी वैल्यू, तो आप इसको -3/2 भी लिख सकते हैं। सही है, क्योंकि 3 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस पूरे फ्रैक्शन के साथ आ जाएगा। आप चाहें तो माइनस नीचे लिखा रहने दें या पूरे फ्रैक्शन के साथ माइनस लगा दें, ये माइनस मैंने पूरे फ्रैक्शन के साथ लगाया, एक्चुअली -3/2, ये 3 के साथ नहीं है, पूरे फ्रैक्शन के साथ माइनस है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इस वजह से मैंने थोड़ी सी यहाँ पे क्लियरिफिकेशन दे दी, आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दिया। तो ये आपके पास आ गया ए इनवर्स का आंसर। तो आपने स्टेटमेंट कौन सी प्रूव करनी है बेटा, a(a)(i). सही है, तो अब आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है कि हम क्या करने जा रहे हैं कि ए इनवर्स को फाइंड कर लिया, अब ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब यूनिट मैट्रिक्स जो है वो मिल जाएगा। सही है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमने प्रूफ करना है कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। सही है, तो ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे ले रहे हैं कि भाई ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स, अब ए इंटू ए इनवर्स तो पहले हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए क्या बेटा 3 2 1 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ए इनवर्स से, और ए इनवर्स का आंसर आपके सामने आया हुआ है। तो ए इनवर्स क्या है आपके पास, 0 1/2 1 एंड -3/2। ठीक है भाई, ये किसका आंसर है, ए इनवर्स का आंसर है।
ठीक है भाई। तो मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, सॉल्व करके किसके इक्वल लेके आना है, राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल लेके आना है, ठीक है। अब इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई बेटे, आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। तो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब ज़रा देखें, आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रॉ है, इसको सेकेंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ज़रा देखिएगा, मल्टीप्लीकेशन आप लोग सीख के आए हैं इससे पहले, नहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो अभी आप लोगों को दोबारा यहाँ पे जो भी कन्फ्यूजन मल्टीप्लीकेशन में, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज जो है वो आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन आती होगी, सही भाई। तो हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं दो मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का रूल आप लोगों को आता है कि भाई फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से करके लिखते हैं, फिर फर्स्ट रॉ को सेकेंड कॉलम से करके लिखेंगे, फिर सेकंड रॉ की बारी, सेकंड रॉ को भी फर्स्ट कॉलम से करके लिखेंगे, फिर सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से करके लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ये होता है, जब फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से कर रहे होते हैं तो दोनों की फर्स्ट वैल्यू को फिर दोनों की सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में प्लस का साइन आएगा। तो चलें दोनों की फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में प्लस का साइन, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। तो दोनों की फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया प्लस फिर दोनों की सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से बेटे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 3 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस का साइन, फिर दोनों की सेकंड वैल्यू को, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, -3/2 से, सही है। तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3/2 से, ठीक। तो हमने क्या करा, दोनों की फर्स्ट वैल्यू को 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का साइन, फिर 2 को -3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब सेकंड रॉ की बारी, सेकंड रॉ को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों की फर्स्ट वैल्यू को बेटे 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो दोनों की फर्स्ट वैल्यू को करके लिखा प्लस का साइन, फिर दोनों की सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल इसी तरह से अब सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों की फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस फिर दोनों की सेकंड वैल्यू को 0 मल्टीप्लाई बाय -3/2, सही। तो आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यूज लिख ली, अब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास कि भाई ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू, जी भाई, 3 0 0 प्लस 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया बेटा यहाँ पे 1, सही है। नीचे 1 0 0 प्लस 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें 0, ठीक है। 3 1 3 फिर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बच गया -3, ठीक है। तो प्लस माइनस ये 2 मल्टीप्लाई होता है -3/2 से, तो प्लस माइनस माइनस और ये 3 बेटे एज इट इज़ आ गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया था, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस और ये 3 एज इट इज़ आ गया। फिर 1 1 1, ठीक है बेटे, और 0 को -3/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस लिखना चाहते हैं तो लिख दें, 0 को इससे पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 0, ठीक है बेटे। तो सॉरी, आई होप ये आपको स्टेप ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। हमने किस तरह से इसको कैंसिलेशन करके मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं, अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। 0 प्लस 1 0 और 3 माइनस 3 बेटे कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 0 और 1 माइनस 0 1। तो आपने देखा कि हमने ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल गया, यूनिट मैट्रिक्स। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई हैंस इट इज प्रूव दैट ठीक है, क्या प्रूफ किया हमने कि भाई ए इंटू ए इनवर्स बराबर है किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, सॉल्व करके आंसर किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये देखें ये किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। तो आपने लिख दिया हैंस इट इज प्रूफ दैट ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर है बेटा, आई के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मतलब यूनिट मैट्रिक्स के, ठीक है।
तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी से कॉपी करें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज जल्दी से इसको कॉपी करें, चाहें तो स्क्रीन शॉट लेना चाहें जल्दी से स्क्रीन शॉट लेना। फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट बी। चलते हैं बेटा पार्ट बी की तरफ, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर पार्ट बी देखें तो पार्ट बी में क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स बी गिवन है 16, 20, 14, 15, कह रहा है कि देन बी आई इक्वल्स टू बी एंड आई इक्वल्स टू आई बी। मतलब आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, कि अगर मैट्रिक्स बी को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या यूनिट मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा जिसको यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मैट्रिक्स बी आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इसको सॉल्यूशन देखते हैं पार्ट बी का। If matrix B equals to 16, 20, 14, and 15, then BI equals to B equals to आई बी, ठीक है बेटा। ये आपने प्रूव करना है कि भाई मैट्रिक्स बी को आई से मल्टीप्लाई करें या आई को मैट्रिक्स बी से, मतलब यूनिट मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बी से, आंसर क्या आएगा, मैट्रिक्स बी आएगा, ठीक है बेटे। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, और बहुत आसान सा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और हम यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, पहली वाली स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स बी को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, मैट्रिक्स बी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं कि भाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, मैट्रिक्स बी को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब ज़रा देखिएगा मैट्रिक्स बी क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स बी है 16, 20, 14, and 15, इसको मल्टीप्लाई करना है यूनिट मैट्रिक्स से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, और वो क्या होता है बेटा 1, 0, 0, 1। मल्टीप्लीकेशन जैसे हमने यहाँ पे की, बिल्कुल इसी तरह से इन दोनों मैट्रिक्स को भी वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कि भाई इसकी फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रॉ को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर सेकंड रॉ सेलेक्ट करेंगे, इसको भी दूसरे मैट्रिक्स की दोनों कॉलम से हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है भाई। ज़रा देखिएगा मैट्रिक्स बी इंटू आई इक्वल्स टू, मल्टीप्लीकेशन देखिएगा फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से, तो बेटा क्या करना है, दोनों की फर्स्ट वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, प्लस फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। फिर फर्स्ट रॉ को सेकेंड कॉलम से 16 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस फिर 20, फिर दोनों की सेकेंड वैल्यू को 20 मल्टीप्लाई बाय 1, सही है। फिर सेकेंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से 14 को 1 से पहले 14 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर 14 मल्टीप्लाई बाय, अब सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम से 14 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है बेटे। अब क्या करेंगे, सेकेंड रॉ की जो सेकेंड रॉ है उसको सेकेंड कॉलम की सेकेंड रॉ से, मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 1। अब बेटे हम इनको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, जी भाई 16 वन ज़ा बेटा 16, ठीक है, 20 ज़ीरो ज़ा 0, 14 वन ज़ा 14, प्लस 15 ज़ीरो ज़ा 0। फिर यहाँ पे देखिएगा 16 ज़ीरो ज़ा 0, प्लस 21 ज़ा 20, 14 ज़ीरो ज़ा 0, प्लस का साइन ऐसे 15 वन ज़ा 15, ठीक है भाई। इनको कर लेते हैं सॉल्व, 16 प्लस 0 16, 14 प्लस 0 बेटा 14, ठीक है। अब देख सकते हैं 0 प्लस 20 20, और 0 प्लस 15 15, ये आपने सॉल्व किया। और सॉल्व करके देखें मैट्रिक्स बी को यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिल गया, वापस मैट्रिक्स बी मिल गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे दोबारा कि भाई हैंस इट इज़ प्रूव दैट
हैंस इट इज प्रूव दैट मैट्रिक्स बी इंटू आई इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी. ठीक है, अब ये लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ठीक है, हैंस प्रूफ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं. और यहाँ तक आके आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी भी हो गया सॉल्व. ठीक है, बहुत आसान और सिंपल सा क्वेश्चन था. आई होप इसमें आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी. ठीक है बेटे, क्लियर है. हमने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया. आप जल्दी से इसको कॉपी करें. कॉपी करने के बाद हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ. ठीक है बेटे, अच्छा बेटा तो पार्ट सी देखिएगा. पार्ट सी में क्या कह रहा है कि इफ़ मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स डी देन सी डी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू डी इनटू सी. सही है, मतलब सी और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा, या डी को सी से मल्टीप्लाई करें तब यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा. कह रहे व्हाट कैन यू से अबाउट सी एंड डी. तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको प्रूफ करते हैं. प्रूफ करने के बाद फिर हम लिखेंगे कि भाई सी और डी क्या है. देखें, जैसे हमने पार्ट ए में देखा था कि भाई मैट्रिक्स ए को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, तो मैट्रिक्स ए को उसको इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो हमें यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा था पार्ट ए में. तो सी और डी को मल्टीप्लाई करने पे भी अगर हमें यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है, हम पहले ये प्रूफ करेंगे. तो इसका मतलब क्या है, सी और डी आपस में मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स हैं. कैसे पता चला, हमने पार्ट ए सॉल्व किया उससे हमें वेरीफाई हुआ, उससे हमें पता ही चला कि भाई उससे हमने वेरीफाई किया कि अगर किसी एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से उससे मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा. तो अगर पार्ट सी देखें तो पार्ट सी में सी और डी दो मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करके हमें यूनिट मैट्रिक्स लेके आना है. अगर ये आ जाता है तो इट मीन्स डैट सी एंड डी बोथ आर मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स टू इच अदर. ठीक है, तो सी और डी दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स होंगे. ठीक है, चलते हैं पहले इसको प्रूफ करते हैं, फिर उसके बारे में हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे. ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स सी गिवेन है 5332 और एक मैट्रिक्स डी गिवेन है आपके पास. ठीक है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्ट सी इफ सी इक्वल्स टू 5332 एंड मैट्रिक्स डी इक्वल्स टू 2 - 3 - 3 एंड 5. ठीक है भाई, फिर वो क्या कह रहे हैं, देन सी डी इक्वल्स टू आई एंड, ठीक है, सी डी इक्वल्स टू आई या इक्वल्स टू डी सी. सही है, फिर आगे वो क्या कहता है कि भाई व्हाट कैन यू से अबाउट सी एंड डी. सही है, तो ये हम आगे आप लोग देख लीजिएगा, तो हम वो लिखेंगे एंड में. पहले हम इसको प्रूफ कर लेते हैं. ठीक है, सी डी अगर आई के बराबर है या डी इन टू सी को मल्टीप्लाई करें और हमें यूनिट मैट्रिक्स मिल जाता है तो फिर जो है वो हम क्या करेंगे, उसके सी और डी के बारे में लिखेंगे भाई दोनों मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स हैं. ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें सॉल्यूशन के एंड डालेंगे बेटे. और सॉल्यूशन के एंड डालने के बाद कोई एक स्टेटमेंट, या तो सी इंटू डी आई के बराबर ये लिख लें, या डी इंटू सी जो है वो आई के बराबर है, जो चाहें आप लिख लें. हम लिख लेते हैं कि भाई सी इंटू डी इक्वल्स टू आई. सही, कि मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी जो है, ठीक है, मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा बेटा, यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा. ठीक है, अब हमने क्या करना है, सी और डी को आपस में मल्टीप्लाई करना है. तो सी और डी, उसके लिए आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सी डी इक्वल्स टू, तो पहले मैट्रिक्स सी लिखेंगे फिर मैट्रिक्स डी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 5332 मल्टीप्लाई बाय, अब मैट्रिक्स डी लिखेंगे 2 - 3 - 3 एंड 5. चलिए जी, अब दोनों को हम मल्टीप्लाई अगर करें तो बेटा यहाँ पे मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा. ठीक है, जहाँ पे तो मैंने आप लोगों को बताया लिख के कि भाई 16 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 0,
यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे, ज़रा देखिएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है ना मल्टीप्लाई, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 टू ज़ा 10, फिर प्लस का साइन, फिर दोनों की सेकंड वैल्यू को 3 को मल्टीप्लाई करें माइनस 3 से, आंसर आएगा बेटा माइनस 9, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस 9, 3 3 ज़ा 9, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट में लिख लिया माइनस 9, ठीक है बेटे। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों की फर्स्ट वैल्यू को 5 को मल्टीप्लाई करें माइनस 3 से, प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15, माइनस 15, फिर बीच में किसका साइन आएगा बेटा प्लस का, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। चलें आगे देखते हैं फर्दर इसका सॉल्यूशन। अब सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो अब सेकंड रॉ को पहले जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो दोनों की फर्स्ट वैल्यू को 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 ज़ा 6, प्लस का साइन, फिर दोनों की सेकंड वैल्यू को 2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 3 से, तो प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6, माइनस 6, आंसर आ जाएगा माइनस 6, ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है, तो प्लस के बाद जब एक और दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते, माइनस का साइन आ रहा है, दूसरा साइन है, तो इस वजह से ब्रैकेट लगा रहे हैं हम यहाँ पे। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 3 मल्टीप्लाई में माइनस 3, प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9, मतलब माइनस 9, प्लस का साइन, दोनों की फर्स्ट वैल्यू, दोनों की सेकंड वैल्यू को अब 2 को 5 से, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। चलते हैं इसका फर्दर सॉल्यूशन देखते हैं। C इंटू डी इक्वल्स टू 10 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 9, ठीक है भाई, 6 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 6, माइनस 15 प्लस 15, बेटे ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, इनकी जगह आ जाएगा 0, ठीक है, और माइनस 9 प्लस 10, माइनस 9 प्लस 9 प्लस 10, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 9 को माइनस करना, आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1, सही है। और साइन किसकी आएगी हमेशा बड़ी वैल्यू की, मतलब प्लस की साइन आएगी, ये जो 1 लिखा है हमने ये प्लस में ही रहेगा, सही है। तो सी इंटू डी 10 माइनस 9, 6 माइनस 6, 0, 1, इस स्टेप का आंसर आ गया। अब क्या करना है, 10 माइनस 9, 10 में से 9 को माइनस करें, क्या बचेगा बेटा 1। सी डी इक्वल्स टू, ठीक है, 10 माइनस 9 1, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 माइनस 6, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बेटा 0, और सेकंड कॉलम देखें तो आपके पास क्या आ रहा था 0 और 1। तो हमने क्या करा कि C और D को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल गया 1001, तो इट मीन्स डैट, ठीक है, कि भाई यहाँ पे लिखेंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मीन्स मैट्रिक्स C इंटू D इक्वल्स टू I, नीचे लिख दें हैंस प्रूव। और फिर आपको क्या बोल रहा था, वॉट कैन यू से अबाउट सी एंड डी, मैट्रिक्स सी और डी के बारे में आप कुछ कमेंट्स करें, तो आप क्या लिखेंगे कि वही मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सी एंड डी आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स सी एंड डी बोथ आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, या ये भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स सी एंड डी, ठीक है, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है उनके बिटवीन कौन सा जो है वो क्या है रिलेशन है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं दोनों, ठीक है, तो जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ रहा है बेटा, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट सी भी समझ में आ गया होगा। पार्ट सी में हमने क्या करा, मैट्रिक्स सी और डी को मल्टीप्लाई करके प्रूव किया कि अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं दो मैट्रिसेस, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर आता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है बेटा। इसी तरह हमारे पास जो है वो पार्ट डी है, पार्ट डी आप देख सकते हैं, पार्ट डी में क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स ए के मैंने और उसको फिर प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर है 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, ठीक है बेटे। तो पार्ट सी तक हमने आज की क्लास में किया सॉल्व, तो पार्ट डी, पार्ट ई और पार्ट एफ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे सॉल्व।
फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। और अगर इस क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जल्दी से उसको कॉपी करें, अदरवाइज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर क्लास फॉर्म करते हैं एंड, ठीक है। और जाते जाते अगर आप लोग ने लेक्चर लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं की, तो ज़रूर लेक्चर को लाइक करें, वीडियो लाइक करें, इस चैनल को अगर अपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में, स्कूल में, कोचिंग के फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अभी हमारा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म नहीं हुआ है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे, बताता चलो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9 और मैट्रिक बोर्ड दोनों के लिए, ठीक है। तो ये पेपर में आपके पास आता है, ठीक है। 5 नंबर का जो है वो आपके पास इसमें से कोई भी एक पार्ट आ सकता है, ठीक है। और मोस्टली जो है पार्ट ए और पार्ट सी जो है वो आप लोगों के पास आते हैं, पार्ट डी भी आ सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम करेंगे पार्ट डी, पार्ट ई और पार्ट एफ। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 को हम करेंगे एंड, ठीक है बेटे। बस अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।